तो समर फोटो सेशन के लिए हमने दो कोकोनट मंगाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा भंडारी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मास्टर कार्तिकेय ब्लॉग में। तो भाई मॉर्निंग का टाइम है और राध्या ने भी ना नहा धोकर के राध्या भी रेडी हो गई है। और राध्या की का ना आज हम लोग फोटो सेशन करने वाले हैं, समर फोटो सेशन। और उसके लिए ना हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और देख ही सकते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो समर फोटो सेशन के लिए हमने दो कोकोनट मंगाए हैं और यहाँ पर को कम्बू ने डिज़ाइन बनाया है सन का, ये इस तरीके से बहुत ही जो सुंदर लग रहा है। और दो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स मंगाई हैं और वहाँ पर को देखिए आम का एक पेड़ बना रखा है इस तरीके से, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। देख सकते हैं ऐसे आम आए हैं आम के पेड़ में। और यहाँ पर को देख सकते हैं हैप्पी समर करके एक स्माइल स्माइली बनाई जा रही है और हैप्पी समर लिख दिया है और यहाँ पर स्माइली बनाई जा रही है। तो इस तरीके से जो है पूरी डेकोरेशन हो रही है, मतलब चल ही रही है अभी। और राध्या को भी दिखाते हैं, राध्या को हमने रेडी कर दिया है तो उसको भी दिखाते हैं। तो राध्या को देख सकते हैं, राध्या आज तो येलो बने हैं, आज तो राध्या येलो बनी है। आज राध्या का फोटो सेशन होगा, ओके बाबू। हाँ ठीक है। हाँ हाँ क्या कर रहा है भव्या? कौन सा सेलिब्रेशन हो रहा है? समर का। वेरी गुड। ये देखो राध्या को। तो राध्या का भी ना फोटो सेशन हो गया है और राध्या को ना अब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो इसलिए ना मैं इसको बाहर वाले कमरे में ले आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना पंखा चला रहा था तो इसलिए देख सकते हो वो भी परेशान हो जाती है ना, तो फटाफट ले आए हम इसको। ये देखो मेरी राध्या राध्या। तो कार्तिक और भव्य ना अभी खाना खा रहे हैं और ये खा रहे हैं आज झोली भात, पहाड़ी झोली भात खा रहे हैं। कैसा हो रहा? मस्त मस्त हो रहा है। दोनों भाई खा रहे हैं खाना और हम लोग भी खाना वगैरह खाते हैं, क्योंकि ना टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, करीब 11 बजने वाला है। और सबको दे दिया है पापा लोगों को, तो हम लोग खाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, शाम का वक्त है और शाम के वक्त ना हम लोग जा रहे हैं आज हमारे दूसरे वाले मामा के घर पे, क्योंकि भाई उन्होंने कह रखा था ना कि आना करके, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो कमों में मम्मी पापा और अपने बच्चे भी आ रहे हैं शायद, तो इनको भी लेके जाते हैं। तो चलते हैं अभी, और बच्चे सब लोग तैयार हो गए हैं और जाने के लिए रेडी हैं। और क्योंकि भाई मामा लोगों के यहाँ भी ना अब थोड़ी देर जाना होता ही है, और यहाँ पे आते हैं तो हल्द्वानी तो थोड़ा बहुत वैसे भी जाना बनता ही है। और आजकल मुँह में तो बस देख सकते हैं आप, इतना पसंद करा, इतनी गर्मी हो जा रही है ना क्या ही बताऊँ। थोड़ी सी देर में मतलब उमस सी हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो वही चलते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे मामा लोगों के घर में। सो गाइस, हम दोनों ना घर से बाहर निकल गए हैं और हमने ना मिठाई और बिस्कुट वगैरह भी ले लिया है। और कम्मू को देखो फ़ोन में लगी है, मतलब मम्मी से बात करेगी कि मम्मी लोग कहाँ से आ रहे करके। तो हम लोग तो यहाँ से जाएंगे। तो इस पेड़ में कटहल देख सकते हैं, ये देखिए पूरे पेड़ में लगे ऊपर से पूरे नीचे तक, पेड़ में ऊपर से नीचे तक जड़ तक देखिए, लगे हुए हैं। जड़ फर्स्ट टाइम तक देखे मैंने इतने सारे कटहल। इतने सारे कटहल भाई। कम्मू कह रही मैंने फर्स्ट टाइम देखे बोले इतने कटहल इतने सारे हैं। देखे कटहल के पेड़ तो कितने हैं, इतने सारे। और यहाँ देखिए पूरी भिंडी भिंडी बो रखी है इस खेत में। ये हमारा इधर क्या लगा रखा है, ये गन्ना? ये गन्ना थोड़ा ना, मक्के मक्के मक्के, मक्के गन्ना कह रही हूँ, मक्के। ये मक्के लगे हैं और ये है हमारे मामा जी लोगों के घर के जाने के लिए रास्ता। तो मम्मी लोग भी आ गए हैं और हम मामा जी लोगों के घर में पहुंच गए हैं, ये देख सकते हैं। ए मम्मी चली अपने भैया के घर, दादा के घर, मामा देख रहे हो वहां से मम्मी को। आ गई आएगा बाहर।
ये देख सकते हैं मामी ने यहाँ पर को बोई है तुलसी, और यहाँ पर गमले देख सकते हैं, और यहाँ पर मामी का खेत, ये मक्के बोए हैं मामी ने, ये इधर अदरक हल्दी वगैरह लगाई है, गाबे भी लगाए हैं मामी ने उधर वाले खेत में, बहुत सी चीज़ें लगाई हैं, भिंडी भी लगी है, यहाँ पर बेल भी जा रही है मामी की, लौकी की जा रही है, पता नहीं कौन सी जा रही है, ये उधर कद्दू की भी जा रही है बेल, ये देखो मामी ने बहुत सारा कर रखा है यहाँ, ये देखो आम भी लगे हैं मामी लोगों के, ये हरे हरे हो रहे हैं तो इसमें दिख भी नहीं रहे, ये हो रहे मामी लोगों के आम इधर, ये है दूसरा पेड़ जहाँ थोड़े थोड़े से आम लगे हैं इसमें, तो ये मैं आ रही कह रही हूँ, नहीं तो टीवी सही आ रही है, संतोष की शादी की कैसेट भी आ गई है, ये देखिए आशा दिख रही है वो सब अभी, ये और हम यहाँ से अंधेरे में दिख रहे हैं, अंधेरा आ रहा हमारे यहाँ, सब लोग जो है कैसे देख रहे हैं, और यहाँ पर फोटोज भी आ चुकी हैं। तो भाई की शादी की कैसेट लगाई है यहाँ पर, और पेन ड्राइव लगाई हुई है, ये देख रहे हैं, और मामी ने ना आम भी रख दिए हैं, चाय रख दी है,
और बहुत सारे पकोड़े, बिस्किट्स, नमकीन, और हम लोग ना साथ साथ एल्बम भी देख रहे हैं। तो इतना सारा नाश्ता ले आई है मामी, और पापा लोग भी पकोड़े खा रहे हैं, पापा और मामा जी हमारे, और मज़े ले रहे हैं सब लोग। मामा जी लोगों के घर पे हैं और रात भी होने वाली है, मतलब हम पहले तो वैसे ही देर में आए थे, तो आज हम लोग ना यहीं पे खाना वगैरह खाएंगे। आप हमें बैठे मैं बैठी हूँ और कम्मू का डांस चला है, ये कम्मू का डांस। तो थोड़ी देर हम लोग वीडियो वगैरह देखते हैं और उसके बाद खाना पीना खा करके घर को जाएंगे, और अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, हम लोग ना ये देख सकते हैं रात का सीन कितना अच्छा लग रहा है मामा जी के यहाँ से, और हम लोग ना अभी खाना वगैरह खाते हैं। और ये देखो कार्तिक क्या कर रहा है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, देखो क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, जैसे इसके पेट में दर्द हो रहा है, पेट में पानी पी रखा, इसके ना पेट में दर्द नहीं हो रहा है, फोन देख रहा, देखो कैसे कर रहा है, ये देखो, चलो आओ खाना खाएंगे, चलो खाना खाते हैं। तो मामी लोगों ने चिकन वगैरह बनाया है, सब्जी बनाई है, सब्जी और रोटी देख सकते हैं, कम्मू खा रही है, कम्मू तो फोन में लगी है, और मामी ना रोटी बना रहे हैं पीछे, देख सकते हैं मामी रोटी बना रहे पीछे, मामी किचन में लगे, जब से हम आए ना तब से किचन में ही लगे हैं, मामी को बैठने का टाइम भी नहीं हो रहा है, कैसे चुप रही, देखो गुंजन को ना शर्म लग रही है, गुंजन ना सामने नहीं आती है ना, तो उसे अजीब सा हो रहा। ये देख सकते कार्तिक भी आ गया, यहाँ विनीता लोगों का घर, ये वाला विनीता लोगों का डॉगी, दो दो डॉगी हैं वो भी, ये देखो ये है विनीता लोगों का घर, ये कॉलोनी मामा लोगों के इधर की, घर भी कितने बड़े बड़े बन गए हैं इधर। तो कम्मू और मैं ना आ गए हैं पैदल पैदल खाना खा के मामा जी लोग के यहाँ से, और मामा जी जो हैं पापा को और कार्तिक को लेकर के चले गए हैं, और मम्मी तो पहले ही चली गई थी क्योंकि राध्या जो है ना घर में रोने लग गई थी, तो मम्मी जो है चली गई थी, वैसे तो भाभी थी ना तो भाभी संभाल नहीं पा रहे होंगे, तो फिर मम्मी को जाना पड़ा, तो मम्मी चली गई थी पहले। तो ना आज इस ब्लॉग में एंड करते हैं, आई होप आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय।